वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़े को पैरी पौना जी। गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी, गुड आफ्टरनून है, 12:30 होने वाले हैं और हम अभी उठे हैं, जस्ट हाथ मुंह धोया है, ब्रश वश करके आपके सामने हम आए हैं और आज है मंडे। तो आज नाश्ता घर में नहीं हुआ, आपको पीछे से दिख रहे हैं मेरे हस्बैंड वो जा रहे हैं उधर, तो इनको मैंने अभी भेजा था, ये गए थे कुलचे छोले लेने। हेलो गाइस, कुछ तो बोल दो। आज ड्यूटी फिर चालू है। क्या क्या ड्यूटी चालू है? हाँ, अभी नाश्ता लेके आया हूँ, ठीक है, फिर रसोई साफ करनी है, फिर बालकनी साफ करनी है, मैं नहीं सुन रही ये सब काम मैं नहीं कर रही यार। आज नहीं, देखो आज देखो उठते ही है नहीं, पहले ये काम करना यार, आज नहीं करना, आज मंडे, आज छुट्टी है, सब कुछ साफ है, बालकनी मैंने कर दी थी, एसी वाला आया था, मैंने बालकनी कर दी थी, तो अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ नाश्ता करना है और बेटे को स्कूल से लेकर आना, क्योंकि आज वो स्कूल गया हुआ था। बेटे को स्कूल से लेकर आना, छोड़ी कौन है, छोड़ी कौन है, देखो देखो कैसे कितने चला गए, छोड़ के मैं आई हूँ तो लेने अब ये जाएंगे, तो ऐसे ही होता है ना, एक दिन तो मुझे भी आराम चाहिए होता है। और अब आ गया है कुलचे छोले और हम खाने लगे हैं, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। वेट, क्या कर रहे हो मम्मी? यार फिर से कवर नहीं चढ़ रहे थे ना गद्दे पे, आज पापा को सामने लगाया। हेलो बाबा, क्या काम करवाए जाते हैं सोमवार वाले? क्या काम, मतलब गद्दे पे कवर चढ़ाने मात्र है। और ये कौन बैठा है बकरी? इसको ऐसे मैं खड़ी पकड़ के थोड़ी हो सकती हूँ, खड़ी पकड़ के मतलब इसको पकड़ के मैं खड़े होके कवर थोड़ी चढ़ा सकती हूँ दोनों का। और ब्रूनो आपको देख रहा है, ब्रूनो को लग रहा है पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, सेफ्टी हो जाएगी इससे हमारे गद्दों की। अरे भैया देख ना चढ़ेंगे कैसे, ये मेरे से अकेले से कहाँ चढ़ने हैं, ये भी है, चलो हमारे गद्दे सेफ हो जाएंगे। हर काम हर किसी के बस की नहीं होता है ना, जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो बुद्धू लागे। वाह 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 वाह, बस अब जाऊं कुछ भी। 2000 years later. गाइज, आज मैं आपसे मिली थी सुबह नाश्ते के टाइम पे और दोपहर को जब मैं और मेरे हस्बैंड गद्दों पे कवर चढ़ा रहे थे, और अभी टाइम हो रहा है 8:15 और मैं आपसे मिली हूँ 8:15। मैं अब जस्ट नहा के निकली हूँ, सारा दिन आराम करते रहे, मैंने इन्हें कुछ नहीं करने दिया, ना गैलरी का काम करने दिया, ना रसोई का, क्योंकि सब कुछ सॉर्ट आउट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि करना ही करना है ना, बस एक छुट्टी मिलती है उसमें भी लग जाओ। और अब मैं जा रही हूँ नहा धोकर गुरुद्वारे, तो आपसे मिलती हूँ गुरुद्वारे में। हम गुरुद्वारे पहुंचे और अरदास का टाइम है, मैं आपको दिखाती हूँ। वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। गाइज, अभी मैं घर पहुंची हूँ गुरुद्वारे से होके आते समय, आज बड़ी दिनों बाद, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हमें गोलगप्पे खाए हुए, तो मैं गोलगप्पे लेकर आई हूँ और देखिए गोलगप्पे खाने लगे, चटर पटर मजा आ जाता है, ये देखिए ये रहे हमारे गोलगप्पे, मैंने इनमें आलू और छोले और जो चटनी होती है टैंगी वाली वो डाल दी है, और ये ब्रूनी मेरे आगे पीछे घूम रहा है, वो देखो उसको टॉवल चाहिए, इसे खाना नहीं चाहिए, इसको अपनी मस्तियां करने के लिए टॉवल चाहिए, बदतमीज कहीं का, खाना नहीं जाता इसके अंदर बिल्कुल भी, बकरी कहीं का। आ जाओ, आप क्या कर रहे हो? गोलगप्पे पार्टी में है, मैं जो किचन में लगा रखा है, खाना बनाओ तो मंडे एक ही तो होता है, ठीक है खाओ गोलगप्पे, आओ तो सही। अच्छा एक 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 आ जाओ। चलिए गाइस, अभी है गोलगप्पा टाइम। गाइस, गोलगप्पे का प्रोग्राम तो हो गया और अब मैंने लगाई है मशीन कपड़े धोने के लिए, इस टाइम धुल जाएंगे, सुबह डाल दिए जाएंगे, रहेंगे मशीन में ही। और आरव अपने फ्रेंड के साथ बाहर गली में खेल रहा है बैडमिंटन, कभी फुटबॉल, तो बच्चों को ठंड नहीं लगती है, जैकेट वगैरह पहनी और आराम से खेल रहा है। ये देखिए गाइस, हमारी गली के बच्चे सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं और आराम से मिलकर खेलते हैं, प्यार से, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और घर के आगे इतना स्पेस है कि बच्चे आराम से खेल सकते हैं, रात को 11:11, 12:12 बजे तक खेलते हैं, बताइए, लगे हुए आराम से। देखिए आरवी, सैमी, तो इस तरह से अपना काम खत्म करने के बाद बच्चे बाहर खेलने जा सकते हैं, तो कोई मना ही नहीं है, घर के पास है, घर के सामने है, तो कोई टेंशन में नहीं होती, हम देखते रहते हैं। और गाइज, ये देखिए, ये कपड़े धुलने शुरू हो रहे हैं, इस टाइम 9:30 बजे मशीन लगी है और ये अब 1 घंटा आराम से धुलते रहेंगे और सुबह डाल दिए जाएंगे। गाइज, फाइनली अभी टाइम है डिनर का, मैं कहाँ देख रही हूँ मुझे पता नहीं चल रहा, मैं ऊपर कुछ देख रही थी। अभी टाइम है डिनर का और मैंने खाना आज बनाया ही नहीं, आपने देखा आज सारा दिन मैंने खूब आराम किया, खूब मस्ती की, और खाने में हमने बनाया है आज नॉन वेजिटेरियन खाना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आरव की प्लेट मैंने लगाई है, आरव खाना खाने लगा है, और देखिए गाइज, ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है सब्जी और कुकर में देखिए, और ये इन्होंने ना पूरा दही में बनाया है, इट्स मीट, तो ये बहुत टेस्टी बना होगा आई एम श्योर। और चिकन नहीं बनाया आज हमने, तो
ग्रेवी देखकर तो मुंह में पानी आता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बाजार का बना हुआ हो ना। सीरियसली बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। और खा के बताएंगे बच्चे कि कैसा बना है। आरवी आ जा ले ले। ओके। क्या हुआ अधिक बाल बाल सवार बाल सवार। आज तो सुबह से ब्लॉग भी नहीं आया, देख ले सही में बिजी मिस्टर बिजी है ना। चलो खाना खाओ गाइस। अभी तो आज मैंने कुछ ब्लॉग में रेसिपी वगैरह आज आपके साथ शेयर की ही नहीं है, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही मतलब यमी टेस्टी ठंड में खाने वाली चीज जो कि ऑलमोस्ट सबको बहुत पसंद आती है, और वो है पंजीरी। लेकिन ये पंजीरी बाकी पंजीरियों से अलग इसलिए है क्योंकि इसको खाने से आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। बेसिकली पंजीरी में क्या होता है कि देसी घी बहुत ज़्यादा होता है, चीनी यानी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी पंजीरी में हाँ जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो हमारी पंजीरी में देसी घी नहीं होगा और पंजीरी में चीनी का भी इस्तेमाल नहीं होगा और फिर भी पंजीरी बनेगी। तो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी रेसिपी जिसको खाने से पंजीरी को खाने से वेट नहीं बढ़ेगा और सर्दियों में वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। एक्चुअली मैं भूल गई थी क्योंकि मेरे भी बैक पेन बहुत सीवियर रहती है, तो वो बैक पेन के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और फायदेमंद है। तो कल पहले मैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आऊँगी और बनाऊंगी और फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो प्लीज़ फॉलो मी फॉर टुमारो और बने रहिए कल हमारे साथ। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं कल आपसे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।